हेलो एवरीवन, हैव यू टुडे वी आर गोइंग द वन ऑफ द एसेंशियल टॉपिक इन इंग्लिश. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी. सम एंड एनी का क्या डिफरेंस है वो हम आपको बताएंगे आज. सम का इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज़ सम एंड हाउ टू यूज़ एनी. सो बिफोर दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ अ बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर. जो किताब है ये बहुत ही अच्छी किताब है. इसमें से ही मैंने जो है सम और एनी का डिफरेंस समझाने की कोशिश की है. आपके पास ये किताब तो होगी, पर आपको अगर आता नहीं है समझना तो यहाँ से आप समझ सकते हैं वीडियोज़ देख के. कि मेरी वीडियोस पे आपको ये, यानी ये नहीं कि थंबनेल ये बना दिया, थंबनेल होता है ना कि ये आपने ये देखना है, ऊपर कुछ होता है अंदर कुछ होता है, तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड अ न्यू चैनल एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स बिगिन फॉर टुडे. यही बुक है जी, यही है एक, यही बुक है हमारी नोटबुक. यूज सम एंड एनी, हाउ टू यूज सम एंड एनी. इफ यू डोंट नो प्लीज सी द वीडियो अप टू एंड, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग सम इंफॉर्मेशन. Use some in positive sentence. Use some in positive sentence, and use of any is a negative sentence. Use any in negative sentence. So started for I am going to buy some clothes. I am going to buy some clothes. ये positive sentence हुआ. There some ice cream. There is some ice cream in the fridge. Why we did some exercise. अब ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस में आप बोलने लगते हो. अब कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ नेगेटिव हो पर सम आए, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ आपने जो है नेगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ सम इस्तेमाल होता है, और जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ एनी भी इस्तेमाल होता है. वो आगे अभी देखते हैं. पहले ये देख ले नेगेटिव सेंटेंस. आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी क्लोथ्स. ये नेगेटिव हुआ. देर इज़ नॉट एनी ऑरेंज जूस इन द फ्रिज. ये नेगेटिव हुआ. तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि नेगेटिव में एनी का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है और पॉजिटिव में सम का. ये एक बेसिक डिफरेंस, ये आप याद रखें. सो नाउ मूव ऑन दी अनदर वन एग्जांपल. वी डिडंट डू एनी एक्सरसाइज. वी डिड नॉट डू एनीथिंग एनी एक्सरसाइज. अब देखें यहाँ लिखा हुआ इन मोस्ट क्वेश्चन बट नॉट ऑल. यानी मोस्ट क्वेश्चन में, सारों में नहीं. वी यूज एनी, यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पॉजिटिव होते हैं उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं, सारों में नहीं करते. यानी ऑल ऑफ दी नहीं, मोस्ट ऑफ. देखे एनी एंड सम इन द क्वेश्चन. इज देयर एनी आइस इन द फ्रिज. ये क्या है? ये तो एक लगता है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, पर ये लगता है कि पॉजिटिव है. इज देयर एनी आइस इन द फ्रिज. देखा यहाँ एनी आया, तो आप एनी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स टोटली इट्स डिपेंड ऑन सेंटेंस. एंड इफ़ यू डोंट नो, यानी आपको ये मतलब ही नहीं मालूम कि एनी क्या होता है, सम क्या होता है. ये बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया कि सम जो है पॉजिटिव के लिए होता है, एनी जो है नेगेटिव के लिए होता है. फिर भी ये कुछ सेंसेंट होते हैं, ये कुछ भी फिर भी ये कुछ जो है सेंटेंसेस जो है. देखे आप हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स. अब देखिए पॉजिटिव लगता है कि नहीं. हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स. तो यहाँ एनी का इस्तेमाल हुआ.
इसी तरह why did not you buy any food, ये तो नेगेटिव ही है, why did not buy you any food. We use normally some, not any, when we offer thing, यानी हम जब ऑफर करते हैं किसी को, when you offer something, नहीं कह रहे वुड, आप नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे तो कि ये वुड यू लाइक सम क्लोथ, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम टी, ये तो आप आंसर दो, आप आंसर ये दोगे कि यस प्लीज. देखिए ये एक एग्जांपल देख ले, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, यस प्लीज. कैन आई हैव सम सूप प्लीज, यस यस, हेल्प योर सेल्फ. कैन आई हैव सम सूप प्लीज, ये जो है ना वी यूज नॉर्मली सम वेन वी ऑफर थिंग, ये आपने याद रखना है. आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, यानी आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो ना, स्टेटस आप व्हाट्सएप पे लगा दीजिए कि आपने इस तरह से लिखना है ताकि आपको ये याद रह जाए, या आप नोटबुक में लिख ले सम एंड एनी विदाउट नाउन. आई डिड नॉट टेक एनी विदाउट नाउन, मैं नाउन नहीं होता. आई डिड नॉट टेक एनी फोटोग्राफ बट एंड टुक सम, एंड टुक सम, बट एंड टुक सम. यू कैन हैव सम कॉफ़ी बट आई डोंट वॉन्ट एनी. आई हैव जस्ट मेड सम कॉफ़ी, कुड यू लाइक सम, यानी एक नाउन के बगैर देखे सेंटेंस. Are there any biscuit? Yet there are some in the kitchen. तो ये आपको ना देखने पड़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल है ये देख ले. So be careful, be positive and just try it. ये वीडियोज़ आपको मिल जाएगी चैनल पे, हमारी और वीडियो है ग्रामर का पूरे वीडियो जो है ना, टेंसेस की, पूरा टेंसेस आपको 12 टेंस पढ़ाए गए हैं. अब 12 टेंस आप देख ले, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, या वीडियो के लिंक डाल दूँगा इसमें, या नहीं मिलता तो चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा. समथिंग समबड़ी और समवन, एक होता है समथिंग समबड़ी समवन. देखिए सी सेड समथिंग, she said something. I show somebody. Would you like something to eat? अब ये देखे, इसका इस्तेमाल आपको, यानी आपको मालूम भी होगा, पर ये ना, ये जिनको नहीं मालूम होता ना वो कुछ भी करते हैं इस्तेमाल में. तो देखें ये एक हो गया. अब उसी तरह anything, anyone, anybody. She didn't see anything. I didn't see anybody. Are you doing anything this evening? तो ये तो छोटे एग्जांपल हैं, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, पर बात ये है कि आप इसको छोड़ दोगे ना तो आपको सही तरह से लिखना भी नहीं आएगा और सही तरह से बोलना भी नहीं आएगा. तो क्योंकि ये चीज़ें जो बेसिक हैं वो बेसिक ही आपको अच्छा आना चाहिए, एडवांस आ जाएगा. सो So if you like this video, kindly share this video with other one, because if you share this video, someone who don't understand, so that's why helpful for. Now let's the end of the lecture today. We will meet tomorrow with new lesson. So until then, you will be learn something new. So thank you very much. We will meet next soon.